हम कैसे ऐसी स्टोरी लिख सकते हैं जो कि सिलेक्टर देख के गया, वाओ दिस कैंडिडेट हैज डन समथिंग रियली गुड, इस सीन में अब हो क्या रहा है, एंड एट लास्ट व्हाट इज द अल्टीमेट आउटकम। इसमें आप बताएंगे कि एट लास्ट क्या आउटकम निकला, आपके एक्शंस का क्या असर पड़ा, आपने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, इससे रिलेटेड कोई भी चीज नेगेटिव नहीं डाल, इट विल रून योर स्टोरी और आप इस पिक्चर स्टोरी के टेस्ट में फेल हो जाएंगे। अपने हीरो को अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज शिराज अहमद अवान एंड टुडे आई विल टेल यू द ट्रुथ अबाउट ISSB पिक्चर स्टोरी राइटिंग। सो द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज दैट? दैट इज थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इसमें आपको चार पिक्चर्स दिखाई जाती हैं ब्लैक एंड वाइट, जिन पर आपको स्टोरीज बनाने के लिए कहा जाता है। हर पिक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए आपके पास 30 सेकंड्स होते हैं और 30 सेकंड्स के बाद 3.5 मिनट्स उस स्टोरी को बनाने के लिए आपको दिए जाते हैं और इसी तरह बारी बारी आप उन चार पिक्चर्स को सीक्वेंस वाइज बनाते हैं। इस टेस्ट को साइमन फ्राइड की आइसबर्ग थ्योरी से लिया गया है और दिस इज द टेस्ट ऑफ द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ योर माइंड। माइंड के तीन पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। ISSB उस अनकॉन्शियस को निकाल कर सामने लाना चाहता है ताकि आपके पास्ट को देख सके, आपका पास्ट कैसा रहा है इस चीज को पढ़ सके। थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट के अंदर सबसे बड़ी गलतियां जो कैंडिडेट्स करते हैं, उसमें सबसे पहली चीज आती है बुक्स से तैयारी करना। बहुत सी बुक्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं, बहुत से ब्रांड्स की अवेलेबल हैं, बट दे ऑल मिसगाइड यू। वो बुक्स उन लोगों ने लिखी हैं जो रिकमेंड होना तो दूर की बात, जिन्होंने कभी ISSB की शक्ल तक नहीं देखी। और ऐसे ही एक मेरे दोस्त हैं, ही वॉज गोइंग टू ISSB और उन्होंने मुझे अपने कुछ नोट्स दिखाए और उन नोट्स के ऊपर पिक्चर्स और उसके आगे स्टोरीज बना के दी गई थी और दोज ऑल स्टोरीज वर एक्सट्रीमली बैड। और ऐसी स्टोरीज एक जब कैंडिडेट ISSB में जाके लिखता है तो वो नॉट रिकमेंड हो जाता है। सो ट्राई टू थिंक कि कभी भी किसी भी बुक से ISSB की तैयारी नहीं हो सकती, दे ऑल विल मिसगाइड यू। नंबर सेकंड थिंग इज द मिसकंसेप्शन कि ISSB में बहुत ज्यादा नेगेटिव पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। IM2 times रिकमेंडेड 8 पिक्चर्स मैंने खुद अपनी आंखों से ऑब्जर्व की और वो इतनी नेगेटिव पिक्चर्स नहीं थी, दोज वर द न्यूट्रल पिक्चर्स जिसपे किसी भी किस्म की स्टोरी बनाई जा सकती थी। और ऐसी ही पिक्चर्स आपको दी जाती हैं ताकि आप एक ओपन माइंड से कोई भी डायमेंशन की स्टोरी वहां पे ला सकें और आपकी साइकोलॉजी को अच्छे तरीके से जज किया जा सके। आफ्टर दैट कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो सुनी सुनाई और पढ़ के स्टोरीज, याद करके स्टोरीज वहां पे लिख देते हैं। दोस ऑल प्रीकंसीव्ड स्टोरीज कैन बिकम द कॉज ऑफ योर नॉट रिकमेंडेशन। इवन के मैंने एक कैंडिडेट को देखा कि मेरे साथ वाली रॉ में आगे करके बैठे हुए थे, टेस्ट चल रहा है और जौहर हॉल के अंदर हम बैठे हुए थे, जो ऑफिसर्स हैं वो बीच में चक्कर लगा रहे थे, साइकोलॉजिस्ट चक्कर लगा रहे थे, तो वो शख्स जो है वो पीछे मुड़ के अपने पिछले वाले कैंडिडेट का फॉर्म देखता और वहाँ से उससे कुछ पॉइंट्स पूछता और उस पर वो स्टोरी बनाता। तो ऐसे काम करने से यू कैन नॉट गेट रिकमेंडेड, क्योंकि ISSB का जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपकी साइकोलॉजी जानने में इंटरेस्टेड। आफ्टर दैट इट कम्स के व्हाट टाइप ऑफ पिक्चर स्टोरीज आर शोन एट ISSB। ISSB में न्यूट्रल, ब्लर्ड, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स को दिखाया जाता है ताकि कैंडिडेट अपनी मर्जी के मुताबिक उसे ढाल सके। उसमें डेली लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड किसी सिनेरियो को दिखाया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसके ऊपर स्टोरी को बनाएं। इसके बाद बात आती है कि टाइम लिमिट को कैसे टैकल किया जाए। हमारे पास बहुत ज़्यादा कम टाइम होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट होता है, अच्छे खासे बंदों का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। आई स्टिल कैन रिमेंबर कि मेरी लेग्स शिवर कर रही थी। तो कैसे उस मोमेंट के ऊपर टाइम लिमिट को टैकल किया जाए ताकि हम तमाम की तमाम स्टोरीज को मुकम्मल तौर पर बना सकें, तो इसमें जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है कि अपनी नर्व्स को कंट्रोल किया जाए, पैनिक ना हो, थिंक कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। इस चीज़ के लिए मैं हमेशा अपने जो मेंटर हैं
कैप्टन इस्माइल साहब उनकी एक कही हुई बात को दोहराता था थ्रू आउट द ISSB. जब भी मुझे प्रेशर फील होता था, उन्होंने हमें कहा हुआ था कि ISSB में ऐसे जाना है कि जैसे आपको फौज की ज़रूरत नहीं है, फौज को आपकी ज़रूरत है. तो इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता था. इसके बाद आ जाता है कि जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है उस पर मुकम्मल तौर पर फोकस करें, उसकी सेटिंग के ऊपर फोकस करें, उसमें जो हीरोज़ दिखाए गए हैं उसके ऊपर फोकस करें, और जो वो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करें, ताकि आपके माइंड में एक अच्छी स्टोरी बन सके. प्रॉपरली जब आप ऑब्जर्व कर लें पिक्चर को, उसकी तमाम की तमाम छोटी छोटी डिटेल्स को भी ज़रूर ऑब्जर्व करें. दैट विल मेक योर स्टोरी लुक वेरी गुड, और इससे पता चलता है यू हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो वट इज़ द गुड स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टोरी? एक थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट के अंदर हम कैसे ऐसी स्टोरी लिख सकते हैं जो कि सिलेक्टर देख के गए, वाओ दिस कैंडिडेट हैज डन समथिंग रियली गुड. तो इसमें सबसे पहली चीज़ गुड स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरी आता है. गुड स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरी के अंदर तीन चीज़ें आती हैं. नंबर वन इज वट लेड टू द सिचुएशन, नंबर टू इज वट इज हैपनिंग राइट नाउ, and number 3 is what is the ultimate outcome. What led to the situation mein aayega ki jo scene jo picture mein dikhaya ja raha hai wahan tak aapka hero pahuncha kaise. What is happening right now mein aap batayenge ki is scene mein ab ho kya raha hai, and at last what is the ultimate outcome isme aap batayenge ki at last kya outcome nikla, aapke actions ka kya asar pada, aapne us problem ko kaise solve kiya. So, इस स्ट्रक्चर पर एक स्टोरी बेस करती है. नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम अपनी स्टोरी को शुरू कैसे करें? अपनी स्टोरी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ हीरो करें. आपने जो हीरो लिया है वो उसका नाम, उसका काम, क्या कर रहा है आजकल, क्या कहाँ से बिलोंग करता है, एक दो लाइंस में इस चीज को लिखें. इसके बाद कनेक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन करें विद स्ट्रक्चर. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के टेक सिंगल हीरो, जिस तरह के मैंने पहले भी बताया, एक हीरो को लें सिर्फ, क्योंकि हीरो तो एक ही होता है. ट्राई टू टेक द हीरो ऑफ योर जेंडर. अगर एक पिक्चर स्टोरी में औरत और मर्द दिखाए गए हैं तो अपने आप को मर्द के किरदार में दिखाएं, अगर आप मर्द हैं. अगर आप गर्ल हैं तो अपने आप को गर्ल के किरदार में दिखाएं. कुछ ऐसी स्टोरीज भी आती हैं जिसके अंदर कोई हीरो नहीं दिखाया जाता. इफ देयर इज नो हीरो देन इंट्रोड्यूस वन. आफ्टर दैट इट कम्स द बॉडी ऑफ स्टोरी. अपनी स्टोरी के अंदर एक प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करें, और इस प्रॉब्लम के अंदर कोई मर्डर, कोई डिजीज या इससे रिलेटेड कोई भी चीज नेगेटिव नहीं डालें. इट विल रून योर स्टोरी और आप इस पिक्चर स्टोरी के टेस्ट में फेल हो जाएंगे. अपने हीरो को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अमल करता दिखाएं, और अपनी स्टोरी में ज़्यादा से ज़्यादा एक्शंस डालें, बिकॉज उन एक्शंस की बिना पर ही सिर्फ आप अपनी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को साइकोलॉजिस्ट तक पहुंचा सकते हैं, और अपनी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ की बुनियाद पर आप अपनी पिक्चर स्टोरी राइटिंग के अंदर पास हो सकते हैं. पिक्चर स्टोरी लिखते वक्त कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जिसकी वजह से आपकी स्टोरी को चार चांद लग सकते हैं. उसमें सबसे पहली चीज़ है ऑर्गेनाइज द थिंग्स. आप तमाम की तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखें. अपने हीरो के एक्शंस को ऑर्गेनाइज्ड करके लिखें कि ही टुक दिस एक्शन बिफोर दिस एंड दिस एक्शन आफ्टर दिस. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शख्स को आप दिखा रहे हैं कि ही इज़ अ डॉक्टर और उसे एक हॉस्पिटल से रात को कॉल आई है कि देयर इज एन इमरजेंसी पेशेंट, तो आप उसकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी दिखाएंगे, वो कैसे ऑर्गेनाइज करता है, वो कैसे इंस्ट्रक्शंस देता है उधर पहुंचने से पहले अपने स्टाफ को कि ये चीज़ें रेडी करके रखें, वो कैसे घर से निकलता है टाइम पे और कैसे उधर तक पहुंचता है. दिस शोज योर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी. यूज़ ऑफ इंटेलिजेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अपनी स्टोरी को लिखते वक्त अपनी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को ज़रूर वहाँ पे शो करवाएं कि कैसे एक हीरो ने अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया. उसके बाद अपने इनिशिएटिव. कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं जहाँ पे एक ग्रुप दिखाया जाता है या जहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम दिखाई जाती है जहाँ पे हीरो को पहल करनी पड़ती है, तो ज़रूर वहाँ पे इनिशिएटिव ज़रूर दिखाएं. टाइम मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. कि अगर आपको एक स्टोरी दी गई है
उसमें आपने प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करवाया, उसे आप कैसे टाइमली हल करते हैं, ये बहुत चीज मैटर करती है। इस बात के लिए जानना जरूरी है कि किन स्टोरीज के अंदर शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम डालनी है और किन के अंदर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम डालनी है। हमेशा जो स्टोरीज न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल है, जिसमें ना हंसी है ना खुशगमी है, उसके अंदर कोशिश करें कि आप लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करें। अगर आपको ऐसी पिक्चर स्टोरी आई है जिसमें आपने शो करवाना है किसी हैप्पीनेस के सीन को, किसी हार्डवर्क के सीन को, चूँकि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो सकता है, तो उसमें आप लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करें। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ने पेपर की तैयारी के लिए जो हार्डवर्क की, या किसी और एक्टिविटी के लिए जो हार्डवर्क की, और वो उसे उस कॉम्पिटिशन में उस लेवल पे पहुंचने तक उसको जो जद्दोजहद करनी पड़ी। सोशल अडॉप्टेबिलिटी इज वन ऑफ द की फीचर ऑफ अ लीडर, कि वो किसी भी सिचुएशन में ढल जाता है, कि किसी भी तरह के लोगों के साथ वो घुल मिल जाता है। उसके बाद आ जाता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर आपके हीरो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इंड्यूस की जाती है। मैच्योरिटी शो करवाने की कोशिश करें, कोहरेंस ऑफ इवेंट्स अक्रीन, जो आपके इवेंट्स अकर हो रहे हैं स्टोरी के दौरान उनको अच्छे तरीके से आपस में जोड़ें। दिस इज वॉट कोहरेंस ऑफ इवेंट्स अक्रीन इज ऑल अबाउट। आफ्टर दैट कोशिश करें कि डेली लाइफ सिचुएशन से स्टोरी को उठाएं, क्योंकि उस स्टोरी को ही आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। और एट द एंड द सेल्फलेस स्टोरी, सेल्फलेस स्टोरी लिखने का वहाँ पे फायदा नहीं, बिकॉज इट विल गोइंग टू रून योर थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइम से पहुंच सकें। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।